हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मॉम्स गार्डन। अभी सर्दी के मौसम में सभी के घर के गार्डन में फूलों से भरी हुई है। विंटर प्लांट अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो घर में अगर जगह नहीं की कमी है तो भी से आप इसे इन पौधों को लगा सकते हैं। ये 5 से 8 इंच के छोटे छोटे गमले हैं, इसमें लगा सकते हैं। ये मेरा पौधा है, हमारा प्लांट बोल कहते हैं। बहुत सुंदर खिलता है, वाइट कलर का है। ये जीनिया का प्लांट है और इसके बहुत सारे वैरायटी आती है। और ये डेंथस है, ये 12 महीने खिलने वाला पौधा है। इसके भी बहुत सारे कलर आते हैं। ये कलांचो है, इसमें पीला, गुलाबी, लाल, ऑरेंज कलर के आते हैं। और ये इम्पेशन का प्लांट है जो बहुत कम धूप में भी आसानी से चलता है और बहुत खिलता रहता है। ये केलोंडोला का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा खिलता है। और ये पेंसी का प्लांट है जो बहुत तितली के खूबसूरत रहता है और तितली जैसे ही दिखता है। ये मेरीगोल्ड का प्लांट है जो पूरा दिन धूप में रखने से ही अच्छा से खिलता है और कम देखने में खिलने वाला है। और ये मेरा फेवरेट पिटूनिया है जो बहुत अच्छा खिलता है, ठंडी में तो पूरा गमला भरा रहता है। ये गुच्छे वाला पिटूनिया है और इसमें 15 दिन में खुदाई करते रहना है। और इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट देती हूँ, इसमें तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है वर्मी कंपोस्ट का। और 15-15 दिन में स्प्रे करती हूँ कोई भी फंगीसाइड से। और बेस्ट फर्टिलाइज़र कोई भी विंटर प्लांट के लिए तो सरसों खली, नीम खली है। सरसों खली एक कप को भिंगा के रखना है और नीम खली 1 चम्मच डाल के 1 सप्ताह के भिंगा के रखना है। उसके बाद 3 गुना पानी डाल के इस पूरे पौधे में डालना है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है पौधा।